यू ऑल। कूड़ेदान से पहले वीडियो बन रहा है आज। नहीं तो हमारा जब भी होता है हम डस्टबिन के पास पहुंचते तब हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। हाँ हम लोग पीछे स्टार्ट कर दिए। एंड आई एम वेयरिंग दिस हुडी। जोर से बोलो और जूती। इतनी गर्मी में मैंने बोला था ना गर्मी लगेगी। ना हुडी पहन के आई फील लाइक हाय गाइस इट्स जोर से हाय। तो फ्रेंड्स ये है धारा चूना धारा क्योंकि इस जो ये जो चूना धारा ना चूना आता है पानी में इसको बोलते हैं चूना धारा। तो आज हम लोग जा रहे हैं गोम्बा वापस से ना अब आवाज नहीं आई तो चूना धारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये पानी है ना पानी में चूना बहुत होता है। हैं ये देखिए ये जो है चूना धारा में पानी में चूना बहुत आता है इस पानी में। तो हम लोग ना गोम्बा जा रहे हैं आज फिर से गोम्बा जाने के लिए। वैसे हम लोग जाते हैं इस वाले रोड से ना ऊपर को चूना धारा से जो ये रोड राइट साइड को जाता है ऊपर को इसमें जाते हैं हम लोग। तो आज ये बच्चे लोग कह रहे हैं कि शॉर्टकट में जाते हैं तो हम लोग जा रहे हैं। ये पगडंडी है एक छोटी सी घास के झाड़ियों के बीच से ना तो बच्चे कह रहे हैं शॉर्टकट में है। शॉर्टकट में छोटा नहीं मतलब पगडंडी वाला रास्ते से जाएंगे। रोड वाले रास्ते से हम लोग रोज ही जाते हैं तो आज हम लोग फिर जा रहे हैं ये इस वाले रास्ते से। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे निकलते हैं इस रास्ते से ना। ये हरियाली है दोनों तरफ से। मैंने ना परसों गई थी ना गोम्बा में शाबदिन करने को दिया था मैंने डोंजो कांगसो करने को दिया था तो वो आज हमारा कल हो गया हमारा वेडनेसडे को ना कम्प्लीट। तो दादा वहाँ से तो ज़्यादा ही गंदा सा रास्ता चिपकेंगे ये घास इधर उधर से कहाँ। अरे यहीं पहुँचना था सामने एक मोड़ उधर करके। अच्छा नहीं घर के आगे भी छोड़ दे रास्ता। किसके मामी के घर के आगे क्यों जाना हमने। अच्छा तू ये कहाँ ले आया फिर। ओ माय गॉड के बच्चे तुम और थकाने वाला रास्ता है ये तो उसे तो अपना वहीं से सही था ना फिर ज्यादा दूर कहीं नहीं आए एक मोड़ ऊपर आए बस वो भी तो थकाने वाले रास्ते में। ये देखिए दादा तो पहुंच गई वो उधर हम लोग रह गए अभी यहाँ पीछे ना। मैं चली नौनी के पीछे पीछे इसके पीछे नहीं गई इसके पीछे जाती तो मैं भी वहाँ पहुँच जाती अभी तक। नौनी को देखिए पीछे से आ रहा है तुझे दिखा दी तो कैसे उतर रहा है। उस साइड से बात तो एक ही साइड जाए चाहे उस साइड जाए नाले के ऊपर से जाना है। ये देखिए नाले के ऊपर से यहाँ पहुंचना था बस कहीं ज्यादा दूर थोड़ी पहुंचना था तो ऐसा लगा जैसे कि कहीं बहुत दूर पहुंच गया आगे जाके। तो आज फिर से हम लोग जा रहे हैं गोम्बा जैसे कि मैंने पहले बताया ही था आपको जो हम कच्चे बच्चे रास्ते से आए हैं। तो आज मैं जा रही हूँ कुछ पूजा पाठ करने को दिया था ना उस सिलसिले में मैं जा रही हूँ। तो मेरे साथ जा रहा है ये लड़का इसको इतना कोल्ड हुआ है बहुत बुरी तरह से सिर्फ इसी को हुआ है पूरे घर भर में और किसी को नहीं हुआ है। तो जुकाम हुआ है इसको जोरदार और जा रही है हमारे साथ डागर से हाय। तो हम तीनों जने जा रहे हैं आज ना है? मोटी लग रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखिएगा आखिर तक और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा प्लीज। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। अभी तक हम लोग अपने कच्चे बच्चे रास्ते से आए हैं। नोनी को मास्क पहन नोनी को खांसी हो गया पानी की बॉटल भी हम लेके नहीं आए साथ में। जल्दीबाजी थोड़ी ना है। देखिए व्यू पीछे से हमारे पीछे से हम आए नहीं जहाँ से हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ पीछे से इतना व्यू अच्छा आ रहा है। देख पीछे देख कैमरे में अच्छा आ रहा है। ये देखिए पीछे व्यू मास्क नहीं पहना जाता चढ़ाई में सांस फूलती है हमारी। अगले साल कोरिया जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से ना लेक व्यू दिखता है बहुत ही सुंदर। ये देखिए बहुत तेज गर्मी हो रही है पता भयंकर वाली गर्मी हो रही है हैं। जूम की जरूरत नहीं बिना जूम के भी इतना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए तो तालीदाल दिख रहा है पूरा साफ साफ। तो लेक देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा बड़ा अच्छा सा। तो यहाँ से ना लेक व्यू बहुत अच्छा दिखता है। हम लोग ऊपर आ गए हैं काफ़ी ऊपर ये हम लोग रामलीला ग्राउंड के नीचे। तो यहाँ से लेक व्यू बहुत ही बढ़िया मस्त दिखता है। तो ये दोनों जाके हो गए छाँव में खड़े और मेरे को उन्होंने धूप पे खड़े कर दिए वीडियो बनाने के लिए ना इस तरह से। तो रामलीला ग्राउंड से थोड़ा नीचे जो नीचे वाली रोड है रामलीला ग्राउंड से नीचे वाली रोड उससे बना रही हूँ मैं ये वीडियो। देखिए शाम पार जो छोटी दिख रही है पहाड़ जो दिख रहे हैं कितना अच्छा सा दिख रहा है पहाड़ भी है। तो हम लोग जा रहे हैं गोम्बा की तरफ पर मुझे पता है आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी इससे ज़्यादा मैं चिल्ला भी नहीं सकती हूँ वरना लोग डर जाएंगे कि क्यों चिल्ला रही हैं आंटी इतनी ज़ोर से। तो यहाँ से देखिए लेक व्यू है ना मस्त व्यू क्यों नहीं है। ये देखिए लेक व्यू पूरा और उसके ऊपर से नैनीताल का
व्यू इधर को देखिए, डिग्री कॉलेज वगैरह सब दिखता है यहाँ से। मेरे को बाइक दिला दो, मैं लेके जाऊँ। कोई जरूरत नहीं है, देखिए ऊपर ये रामलीला ग्राउंड की दीवार दिख रही है, इसके पीछे रामलीला मैदान है। यहाँ का 7 नंबर का रामलीला मैदान यहाँ पे है, बाकी नीचे वाला तो नीचे में है। तो यहीं पे आगे है हनुमान मंदिर और गाय। हेलो गाइज, हेलो बनी, ओनली वन गाय। आगे से एक लड़की आ रही, खूब तैयार होकर गाउन पहन के आ रही, शायद कहीं पार्टी वार्टी में जा रही है। आजकल शादियों का सीजन लगा हुआ है ना, नवरात्र में शादियां भी काफी सारी हो रही है। तो गाइज ये है हनुमान मंदिर यहाँ पे, 7 नंबर तो नहीं है ना ये, 7 नंबर से नीचे। तो जय हो हनुमान जी, कृपा करे भगवान, कृपा करे भगवान, कृपा करे, जय हो हनुमान जी, जय हो। पानी नहीं दिया, पानी मत दीजिए, एपी हो गया, एक फ्रूटी हो गया। भैया हाय कह दो, हाय। हेलो भैया, हेलो। तीन दो ये भैया बोलो लाइक 95 भैया बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पिंकी फैमिली व्लॉग। थैंक यू, वेलकम भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों का, छोटे बच्चों का इनको बुलाए, सब एक से खा, एक से पहने सब ने। बाय। ये देखिए सारी की सारी लड़कियां, प्यारी प्यारी लड़कियां। कहाँ जा रहे, कन्या में जा रहे हो? नहीं, पार्टी में? ऊपर बुला रहे, कन्या में जा रहे हैं। अच्छा, ये देखो ये कन्या में जा रही हैं, प्यारी प्यारी सी लड़कियां, सब एक सी ड्रेस पहनी हुई हैं। बाय बाय। ये हमारी रोड जो हम आज शूट कर रहे हैं, जो हमने पहले शूट नहीं की थी, हमने पहले सिर्फ ऐसे वैसे ही शूट किया था, जैसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ वाली। तो ये हमारी रोड है जहाँ से हम लोग सामान सामून परचेज करते जाते हुए, आज हमने आगे से ले लिया ना, आज हमने परचेज नहीं करा। तो यहाँ से भी ना व्यू बड़ा अच्छा सा है, ये देखिए लेक है सामने से। यहाँ पे भी हमने कल की वीडियो का व्यू कैसा लगा था प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए ट्रॉली जा रही है, ट्रॉली ऊपर से नीचे को जा रही है, ये ऊपर से नीचे जा रही है, और नीचे से ये ऊपर आ रही है। अच्छा, देखिए दोनों ये मिल गए साथ में, दोनों ट्रॉली। तो ट्रॉली वाला मैंने आपको पहले दिखाया था, मैंने आपको सब जगहें दिखाई है। ये फील्ड दिख रहा है, नीचे फील्ड है, कार पार्किंग है, न्यू क्लब है मलिताल का। जोर से बोल। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं गोम्बा, बस थोड़ा सा रह गया, ये उतराई जो आ रही है, इस उतराई वाली रोड के बाद हम पहुंच जाएंगे गोम्बा। तो पहुंचने वाले हम लोग गोम्बा ना। तो नोनी की ने खांसी ठीक ही नहीं हो रही, इतनी खांसी हो रही है, इतनी खांसी हो रही है, घर से ने जबरदस्ती धक्के मार के भगाया मेमी चुम्बू ने, ये आ नहीं रहा था। तो मेमी चुम्बू ने इसको जबरदस्ती का भेजा, जबरदस्ती का भेजा। तो गाइस आपको पता है हमको भूत मिला रास्ते पे, हम इतने डर गए थे, और पता है वो भूत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, और इस भूत ने अभी हमारा कैमरा भी चुरा लिया। सारी कहानी बता दी उसने भूत की, जो भूत था वो उसका नाम क्या था, आयुष्मान। हाँ, जिसने पूरा डेनिम पहना हुआ, कितना अजीब लग रहा है, नीचे डेनिम, अंदर डेनिम, बाहर डेनिम, डेनिम पहना हुआ है। मैंने बोला इसको जूते पे डेनिम नहीं लेता कोई। हम पहुंच गए हैं गोम्बा, गोम्बा गेट पे पहुंच गए, यहाँ पहुंचते पहुंचते बता लोग हो जाते हैं मदहोश, यहाँ पे बेहोश हो जाएंगे मदगा, यहाँ पे तो धुआं धुआं है भाई साहब। सुंदर बहुत है गोम्बा, लेकिन ओ भाई साहब। तो गाइस यहाँ पे मिनिएचर नर्सरी है, एक दूसरी मिनिएचर नर्सरी देखिए, क्या ये देखो, दागर ना इसको बिस्किट खिला रही थी, मगर ये डर गई थी बेचारी, नए नए लोगों को देखे ना, थोड़ा सा परेशान हो गई थी, छुप गई था, माने की बीच चली गई। खा ले बिस्किट, खा ले बिस्किट, बिस्किट नहीं खा रहा था वही छोड़ दिया उसने। चलो हाँ, नहीं खा रही है बिस्किट, ये गोम्बा की बिल्ली है ये। चलो हमारे रिम्बू चेला है, गोम्बा के रिम्बू चेला, रिम्बू चेला, रिम्बू चेला है,
नमस्ते कुशल सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे देखिए गोम्बा से वापस, तो बहुत अच्छा हमारा आज रहा। हमने बहुत सारी नहीं गोरा लग रहा काला नहीं लग रहा तो हमने आज ना बहुत सारी बातें की रिमुचेला से, बहुत सारी बातें करी हमने। बहुत देर तक हम लोग बैठे, रिमुचेला भी फ्री थे आज, नहीं तो यहाँ पे क्या भीड़ भाड़ रहती है हमेशा, तो ज्यादा बैठने को टाइम मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने पूजा वूजा करवा के चल पड़े हैं वापस ना। अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, जा रहे हैं हम लोग ना घर जाके, फिर मैं वहाँ से खाना लेके फिर जाऊंगी दुकान। खाना नोनी लेके आएगा पुलिस इधर को सेंचर के घर के पास तक। नोनी नहीं यार दागर है। नोनी तो दागर ले आएगी। चलो खाना दागर मेरा वो चल रहा है यार। अभी नहीं बजे, दो बजे से मुझे पता है तेरा। एक बजे तो फिर उसके बाद हम लोग ना जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी दुकान। फिर दुकान में तो आप लोगों को पता ही है, सेम स्वेटर सेम कोट सेम स्वेटशर्ट सेम सब कुछ। तो फ्रेंड प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर भी कीजिए प्लीज। करती हूँ मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पे खत्म। बाय नोनी, मुझे गिर गया। बाय बाय गाइस, अभी खा के बाय, अभी और बनाएंगे। अच्छा और बनाएंगे क्या? अभी क्या बनाओगे और? अरे मैं तो सोची थी वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, खत्म कर देती हूँ यहीं पे। दागर कह रही कि हम लेंगे सांप ढूंढ, अभी और बनाएंगे। तो फ्रेंड दागर कह रही हम लोग सांप ढूंढेंगे, बता दो सांप ढूंढेंगे। तो ये कह रही है सांप ढूंढेगी, स्नेक नहीं देखा लाइफ में। तो ये कह रही है सांप ढूंढेंगे और वीडियो बनाएंगे। अगर सांप मिल गया तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो आज का वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे खत्म। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बड़ी अच्छी सी वीडियो के साथ।